हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रशांत सिंह। टुडे वी स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9, इंडिया साइज एंड लोकेशन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट लोकेशन एंड देन साइज ऑफ इंडिया। तो पहले टॉपिक्स पे आते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया। इसके लिए कुछ हमको नेसेसरी चीजें जरूरी हैं जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। These are called the latitude, longitudes, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, ठीक है, Arctic Circle and Antarctic Circle. Basically, equator के बारे में तो आप जानते ही हैं। Equator is an imaginary line passes through the center of the earth, that is 0 degree, is called the equator, which is parallel, which is the हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द अर्थ। और दूसरी चीज जो आती है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 23.5 degree नॉर्थ, पैरेलल टू द इक्वेटर, और इसके जस्ट नीचे ये 23.5 degree साउथ जो लाइन पास करती है, इमेजिनरी लाइन, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड 66.5 degree नॉर्थ पे जो लाइन पास करती है, इमेजिनरी लाइन, दीज आर कॉल्ड द आर्कटिक सर्किल। एंड 66.5 degree साउथ पे जो लाइन पास करती है, इमेजिनरी, दीज आर कॉल्ड अंटार्कटिक सर्किल। जो फर्स्ट हाफ है इक्वेटर के ऊपर का, दीज आर कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड नीचे का जो पार्ट है इक्वेटर के नीचे का पार्ट, दीज आर कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो हियर फर्स्ट वी डिस्कस द लोकेशन। लोकेशन में पहली चीज आती है, पहला पॉइंट आता है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटरनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सेकेंड फीचर यह कहता है कि इसकी जो मेनलैंड है, दीज आर मेनलैंड, ये जो मेनलैंड इसका है ये एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में। ये लैटिट्यूड है इधर ये वाला, और ये लॉन्गिट्यूड्स है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंशन है वो है आपका 8 degree 4 minute नॉर्थ टू 37 degree 6 minute नॉर्थ एंड 68 degree 7 minute ईस्ट टू 97 degree 25 minute ईस्ट। ये जो पोर्शन आपका है यानी नॉर्थ टू साउथ का जो कंडीशन है, यहां पे देखिए साउथर्न पोर्शन पे आप आएंगे तो 8 degree 4 minute नॉर्थ है टू 37 degree 6 minute नॉर्थ, ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। दूसरी चीज जो आती है, जो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश वाला जो दिखाया गया है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 degree 7 minute ईस्ट टू 97 degree 25 minute ईस्ट। ये आपका लैंड एक्सटेंशन है, पूरी लैंड एक्सटेंड की हुई है, जितना एरिया ये कवर किया हुआ है उसकी पूरी लोकेशन है। तीसरी चीज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है, ये 7 states से पास करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द 7 state ऑफ इंडिया, दैट इज फर्स्ट इज गुजरात, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज MP, फोर्थ इज छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि हाउ मेनी स्टेट पास थ्रू द टॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, देन वी शो दैट दीज आर 8 state पास थ्रू द टॉपिक ऑफ कैंसर। फर्स्ट इज द गुजरात, सेकेंड इज राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 state, फर्स्ट इज गुजरात, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज MP, फोर्थ इज छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्वेश्चन आपका बनता है, कई बार पूछा जाता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर हाउ मेनी स्टेट पासेस थ्रू, देन वी नेम इट। इसको क्रम से भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 marks में पूछा जाता है। अगली चीज आती है इसका जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। यानी बात हो रही है नॉर्थ साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में यहाँ पे एक लैंड मासेज है और एक साउथ ईस्ट में भी यहाँ पे एक लैंड मासेज है, और ये लैंड मासेज जो है ये आपका जो ईस्टर्न साइड में है, दीज आर कॉल्ड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड
इन द वेस्टर्न साइड में जो आपका लैंड मास है उसको कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं साइज की। साइज क्या कहता है? साइज में पहली चीज आती है कि इंडिया का जो लैंड मास है, यानी ये जो पूरा लैंड जो कवर कर रहा है एरिया, वो टोटल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसका जो टोटल एरिया है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सापेक्ष में हम देखेंगे, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड के सापेक्ष में इसका टोटल एरिया हम देखेंगे तो ये 2.4% कवर करता है टोटल वर्ल्ड एरिया का। ज्योग्राफिकल एरिया जितना है लैंड मासेस का, उसका ये 2.4% कवर करता है इंडिया का पोर्शन। तीसरी चीज ये कहता है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। कैसे? इसमें एक शॉर्ट नेम दिया हुआ है, रुकुभाई। रुकुभाई में हम ये कह सकते हैं इससे जो 7 कंट्रीज बड़ी हैं, दीज आर कॉल्ड द रशिया, ये पोर्शन आपका रशिया का आता है, ये आपका कनाडा आता है, तीसरा आपका यूएसए है, चौथा आपका चाइना है, पांचवा आपका ब्राजील है, और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7 नंबर पे ये इंडिया का पोर्शन आता है। तो 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है ये। इसके अलावा इसके पहले 6 कंट्रीज और बड़ी बड़ी हैं, और तब इंडिया का नंबर आता है। अब बात करते हैं इसकी लैंड बाउंड्रीज की। तो लैंड बाउंड्रीज ये आपकी है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है, जहां से ये लैंड कवर करती है, जिसे और भी जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो लैंड बाउंड्री से जुड़ी हुई हैं। ये पोर्शन आपका होता है लैंड बाउंड्रीज का, ये जो पोर्शन कवर्ड है, ये टोटल इसका है 15,200 किलोमीटर। यहां से लेकर के यहां तक का जो कवर एरिया है लैंड बाउंड्रीज का, वो है 15,200 किलोमीटर। दूसरा कोस्टल लाइन आता है, ये जो कोस्टल लाइन है गुजरात से शुरू होकर के ये उड़ीसा तक जो कोस्टल लाइन आई हुई है, इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड दोनों शामिल है। इसका जो कोस्टल लाइन का टोटल जो किलोमीटर का एरिया है, वो करीबन 7,516.6 किलोमीटर का है। ठीक है, अगेन अदर पॉइंट साइज के बारे में, जो साइज हमको पता करनी है, साइज में पहली चीज आती है कि इसके जस्ट ऊपर का जो पोर्शन है, ये कवर्ड करता है यंग फोल्ड माउंटेन, जिसको हम हिमालय कहते हैं। हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन, ये कवर्ड पोर्शन करता है ये ऊपर का, यानी नॉर्थ का, नॉर्थ वेस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का, ये पूरा टोटल कवर एरिया करता है, ये ऊपर से लेकर के ये पूरा कवर करता है, यानी नॉर्थ का पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन और नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन है, ये पूरा एरिया कवर करता है आपका माउंटेन। फिर इसके बाद ये जो पोर्शन आपका है दक्कन प्लेट्यू का, ये टैपर है। ठीक है, 22 डिग्री नॉर्थ पे ये टैपर हो जाता है और इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड होता है और दो सीज में बांट देता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल डिवाइड इनटू टू सीज, फर्स्ट इज द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। ठीक है, अगली चीज आती है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस की। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस जो है, ये जो आपका मेनलैंड है, ये नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ये जो आपका है ये करीबन 29, वेस्ट टू ईस्ट की अगर बात करेंगे तो ये करीबन 30 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, ये भी 30 लैटिट्यूड करीबन क्रॉस करता है, करीबन एग्जैक्ट सेम है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, लेकिन देखने में लगता है कि ये जो है ये बड़ा है, लंबाई ज़्यादा है इसकी, इसकी जो लंबाई है ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, करीबन सेम है, नियर अबाउट 120-130 किलोमीटर का अंतर है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वेस्ट टू ईस्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, ये करीबन है 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ का जो एक्सटेंशन इसका है
वो करीबन 3214 किलोमीटर, ठीक है। और एक चीज और बात करते हैं साइज की, अगर बात कर रहे हैं तो एक चीज और छूट जा रही है, वो आपका है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री से खींचा गया है, जो कि करीब करीब बीचों बीच में पड़ता है, ये 30 लॉन्गिट्यूड्स के करीब करीब बीच में पड़ता है ये पोर्शन, इसीलिए यहाँ टाइम गैपिंग नहीं होती। जैसे होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में सूरज निकलता है तो गुजरात तक पहुँचते पहुँचते करीबन 2 आवर्स का टाइम लैग आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो लाइन जो है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन की जो खींची गई है वो 82.5 डिग्री पे खींची गई है, जो करके बीचों बीच का पोर्शन आता है तो टाइम लैग आउट नहीं होता है, करीब करीब एग्जैक्ट टाइमिंग हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ का ये जो है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया माना जाता है 82.5 डिग्री जो पासेस टू मिर्जापुर इन यूपी, ठीक है। तो ये साइज की बात हो गई और ये लोकेशन की बात हो गई, तो दोनों चीजें आप देख लीजिएगा, कैरे से इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। और एक चीज और, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की अगर बात कर रहे हैं तो लैटिट्यूड में हाउ मेनी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि देयर आर 181 लैटिट्यूड्स, 90 ऑन अबव, 90 ऑन बिलो एंड 1 इज द इक्वेटर। यहां पे 90 ऑन अबव, 90 ऑन बिलो एंड 1 इज द इक्वेटर, यानी कुल टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या हो गई तुम्हारी कितनी हो गई 181। और लॉन्गिट्यूड जो है वो लॉन्गिट्यूड जो कवर करता है वो पोर्शन आपका है 179 इज द ईस्ट एंड 179 इज द वेस्ट, और दो आपके एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, और एक इंटरनेशनल डेट लाइन है जो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट पे पासेस थ्रू है, एक यहाँ पे क्रॉस की गई है और एक यहाँ पे, तो दो ये और बाकी सब मिला के करीबन 360 के आसपास जो लॉन्गिट्यूड्स का कवर बनता है, ठीक है। तो ये अपना कायदे से लर्न कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा, बाकी अगले लेसन में हम इसको डिस्कस करेंगे।